गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अनिल डॉलर है और ये हमारे ई कॉमर्स लेक्चर सीरीज का ये फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको आगे मेन्यूज क्रिएट करना, हेडर सेक्शन क्रिएट करना और आगे के लेआउट्स पर हम वर्क कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा चैनल का लिंक है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेस्ट कर रखा है। और यदि आप मुझे डोनेट करना चाहते हैं तो बेसिकली आप इस मेरे पेपाल एड्रेस पर आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये फ्लिपकार्ट की ओरिजिनल वेबसाइट है और ये जो हम बना रहे हैं बेसिकली वे ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर आप देखिएगा कि हेडर के दो पार्ट थे, हेडर टॉप और हेडर बॉटम। सो हमने भी हेडर टॉप और हेडर बॉटम बना लिया है। अब हमें कुछ इमेजेस चाहिए, जैसे कि ये फ्लिपकार्ट, ये जो है इस पर राइट क्लिक करना है आपको, ओपन इमेज इन अ टैब। ये देखिए फ्लिपकार्ट की इमेज आ गई और ये इमेज हमारी पीएनजी टाइप की है। तो आप ऐसा करना, इसको सेव किया आपने और आप अपने इमेजेस फोल्डर में रख लेना। सो आप अपने फ्लिपकार्ट फोल्डर के अंदर, आईएमजी के अंदर, और इसको आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट डॉट पीएनजी के नाम से आपने क्या किया, इस इमेज को सेव कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करना, तो आपको इसके अंदर और भी बहुत जानकारी आपको पता चलेगी। जैसे कि एक एंकर ले रखा है, ये एक्सप्लोर प्लस जो है ये फ्लिपकार्ट वालों ने एंकर ले रखा है, उसके अंदर एक्सप्लोर नॉर्मल टेक्स्ट है और ये जो प्लस है इनका इन्होंने एक इमेज ले रखी। तो इस इमेज को मैंने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, नए टैब में गया मैं और मैंने पेस्ट कर दिया और इंटर किया। क्लिक करते ही ये मेरा प्लस सिंबल आ रहा है, इसको भी मैं सेव एज क्या करूँगा, मैं यहाँ से बेसिकली इमेज यूज कर सकता हूँ, है ना। सो प्लस डॉट पीएनजी, ये मैंने इस तरीके से मैं इमेजेस वन बाय वन निकालते चलूंगा। उसके बाद हाँ, अभी कुछ भी नहीं है तो हम हेडर टॉप को स्टार्ट करते हैं। सो नोटपैड प्लस प्लस में गए और आपका हेडर टॉप ये रहा। इस हेडर टॉप के अंदर जाना है आपको, हेडर के अंदर, हेडर टॉप हमने दो पार्टीशंस ले रखे। सो हेडर टॉप के अंदर जाना है आपको। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि एलिमेंट्स किस तरीके से आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इसको रिसाइज करूं, देखिएगा एलिमेंट्स हेडर टॉप को, देखिएगा एलिमेंट्स रैप नहीं कर रहे हैं। सो हम ऐसा देखते हैं कि ये एलिमेंट्स वन बाय वन हम लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये लोगो आ रहा है, लोगो के बाद हमारा फॉर्म आ रहा है और फॉर्म फॉर्म के बाद हमारे लॉगिन, साइन अप, मोर कार्ट वाले बटन आ रहे हैं। तो वन बाय वन हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो शुरुआत मान लीजिए हम फॉर्म से कर रहे हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, तो फोटोशॉप में जाके हम इसको जूम कर लेते हैं, इतने एरिया को हमारे, ये मैंने जूम कर रहा हूँ इसको, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से आप इसको जूम कर सकते हैं या फिर कंट्रोल स्पेस और माउस का क्लिक अगर आप प्रेस करेंगे तो जूम इन हो जाएगा अपना। ठीक है, और ये मार्की टूल प्रेस करना है, एम फॉर मार्की टूल। इस फॉर्म को कितना विड्थ लेना है, कितना हाइट लेना है, ये भी आपको फोटोशॉप बता देगा। सो ये मैंने यहाँ पर लिया और आप F8 प्रेस करना, F8 आपको प्रेस करना है और इसका विड्थ और हाइट दोनों ही बता रहा है, तो आप इसका विड्थ और हाइट ले लीजिए। सो विड्थ लगभग 565 पिक्सल्स है। सो इस फॉर्म को गए, फॉर्म का स्टार्ट, फॉर्म का क्लोज, और इसको क्लास मैंने क्या दे दिया, सर्च फॉर्म, सर्च अंडरस्कोर फॉर्म। सो सर्च फॉर्म को मैंने क्लास दे दी, इस क्लास के माध्यम से मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। चूंकि मैंने क्लास दिया हुआ है इसलिए मैं डॉट सर्च फॉर्म और विड्थ हाइट दोनों ही मुझे फोटोशॉप से पता चल गया है। सो मैं यहाँ पर विड्थ ले लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल विड्थ ले लिया मैंने 565 पिक्सल, और हाइट ले लेते हैं हम यहाँ से, हाइट ले लिया 37 पिक्सल। सो 37 37 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड कलर देखिए आप, वाइट है। तो मैंने आई ड्रॉपर टूल प्रेस किया और यहाँ से वाइट कलर, ये मेरा बैकग्राउंड का वाइट कलर है। सो ये मैं इसका बैकग्राउंड कलर में ले लेता हूँ वाइट। ठीक है, ये मैंने वाइट कलर ले लिया, सेव किया और आप आउटपुट देखिएगा यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ रहा है। अब इससे पहले हमारे इमेजेस और ये एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये आप ले सकते हो। सो फॉर्म से जस्ट पहले मुझे क्या चाहिए, हमारी इमेज चाहिए। सो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इमेज और ये एलिमेंट्स आपको किस तरीके से लेने हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ,
और डिव के अंदर आप अपना एक इमेज टैग ले लो, जैसे IMG टैग लिया मैंने। आपको ये देखना है कि क्या इस इमेज के क्लिक करने पर ये पॉइंटर सिंबल आ रहा है, ये हैंड पॉइंटर, आप देखेगा ये हैंड पॉइंटर आ रहा है, इसका मतलब ये आपके एंकर टैग के अंदर है। तो इस डिव की बजाय आप एंकर भी ले सकते हो, और एंकर ले रहे हैं तो href इक्वल्स टू हमें हैश देना है। उसके बाद इमेज के बाद src आपने दिया, और img फोल्डर के अंदर आपने क्या दे दिया, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो flipkart.png नाम से इमेज होगी। सो flipkart.png नाम से ये इमेज रही, और ये आपको आउटपुट में देखिए, ये देखिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ी इमेज आ रही है, तो इसको आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। तो ये यहाँ से मैंने विड्थ में दे दिया, विड्थ में दे दिया मैंने, मान लीजिए मैंने 100 दे दिया अभी के लिए, सेव किया और आउटपुट देखा। सो ये 100 की मेरी PNG इमेज आ रही है। अब कुछ इस तरीके से हमें करना है कि ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट के अंदर आ जाए। सो इस एंकर को, इस इमेज के तुरंत बाद हमें ये एक्सप्लोर और प्लस लिखना है, ठीक है। सो इस इमेज के तुरंत बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए एक स्पान लिया, ठीक है, ये स्पान लिया मैंने, स्पान का स्टार्ट, स्पान का क्लोज, और इसके अंदर ले लिया मैंने एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर और प्लस लिखना है मुझे। सो यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर, और वापस से कंट्रोल डी प्रेस किया, इसको एक ही लाइन में लिखा मैंने एक्सप्लोर प्लस, एक्सप्लोर प्लस, ठीक है, सेव किया और आउटपुट देखा। ये देखिए एक्सप्लोर प्लस लिखा हुआ आ रहा है, और उसके बाद ये इमेज का सिंबल चाहिए मुझे। सो उसके बाद इमेज का सिंबल चाहिए, तो वापस से मैंने क्या किया, img src किया, और img के अंदर प्लस डॉट png, सो plus प्लस डॉट png करके आपने एक इमेज लिया, सेव किया और आउटपुट देखा, ठीक है। सो ये यहाँ पर आप देखिएगा, ये इमेज भी आ गई है प्लस, ठीक है। सो वन बाय वन अब हमें देखना है। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये एक्सप्लोर प्लस जो है, ये दोनों ही थोड़े इटैलिक में लिखे हुए हैं। तो वन बाय वन इन चीजों को हम देख लेते हैं। एक्सप्लोर प्लस, ये दोनों ही स्पान को हम क्या करते हैं, कुछ क्लासेस दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनको क्लास दे दिया ईपी एक्सप्लोर प्लस, और इस स्पान को भी मैंने क्लास दे दिया ईपी, और ये दोनों ही क्लास जाके मैंने यहाँ डिफाइन कर दी ईपी, और फॉन्ट यहाँ पर मैंने दे दिया फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, इटैलिक फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक दे दिया मैंने, और यहाँ से मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया। तो आप ये गौर से देखिएगा, ये थोड़े से इटैलिक हो गए हैं, ठीक है, ये इटैलिक हो रहे हैं। फॉन्ट साइज, अच्छा इन दोनों की जो फॉन्ट साइज है, दोनों की अलग अलग है। पहले सॉरी, फॉन्ट साइज थोड़ी कम है, और कलर की बात करें तो एक्सप्लोर व्हाइट कलर में लिखा हुआ है। सो आप देखिएगा यहाँ पर हमने टेक्स्ट कलर, सो इसको मैंने दे दिया एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर क्लास दे दी इसको मैंने, है ना। सो एक्सप्लोर क्लास को यहाँ से मैं टारगेट करके उसको कलर जो है, टेक्स्ट का कलर जो होता है, वो हमेशा कलर प्रॉपर्टी के माध्यम से दिया जाता है। तो ये मैंने दिया, सेव किया और आउटपुट देखा आपने, ये वाइट हो गया। प्लस को मुझे येलो करना है। अब येलो का कौन सा कलर करना है वो मुझे फोटोशॉप से पता चलेगा। इसको जूम कर लेना है, यहाँ तक बहुत जूम कर लिया, आई ड्रॉपर टूल से ये येलो टूल लिया आपने, और ये हेक्साडेसिमल कलर वैल्यू कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। सो यहाँ पर हम गए, और इस वाली स्पान को एक और क्लास दे दी मैंने, किस नाम से, PLUS प्लस नाम से मैंने क्लास दे दी। अब इस प्लस नाम से जो है मैं क्लास बना दूंगा, ये मैंने क्लास बना दी, और इसको मैं टारगेट कर लेता हूँ, कलर नाम से मैं टारगेट कर लेता हूँ हैश, और जो फोटोशॉप से जो कलर लिया था मैंने वो क्या करूंगा, यहाँ से पेस्ट कर दूंगा बेसिकली, मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया और आउटपुट देखना आप यहाँ से, ये आपने आउटपुट देखा है, देखो प्लस हो गया है। फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी आ रही है, तो फॉन्ट साइज आप थोड़ी सी छोटी कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने दे दिया विड्थ, दे दिया मैंने विड्थ, दे दिया विड्थ इज इक्वल टू, लेट से यहाँ पर मैंने 20 दे दिया, तो 20 पिक्सल की मेरी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। सो 20 पिक्सल की ये विड्थ हो गई ऑलमोस्ट। अब हमें ये चाहिए कि
20 पिक्सल भी बहुत ज़्यादा आ रही है, सो उसको हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10 दे दिया, सो 10 किया और उनको जो है मैंने 10, हाँ लगभग सही है। और इन दोनों को जो क्लासेस हो रही है, एक्सप्लोर और एक्सप्लोर प्लस को, ये ईपी क्लास कॉमन है, तो ईपी क्लास को जाके मैं यहाँ से फॉन्ट साइज दे देता हूँ। सो फॉन्ट डैश साइज, फॉन्ट साइज कॉलन 0.8 EM, एम्फेसिस करने के लिए, इसकी साइज कम करने के लिए मैंने फॉन्ट साइज दे दी। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, फॉन्ट साइज, ठीक है, ये फॉन्ट साइज मैंने दे दिया। सेव किया और यहाँ से आप इसको रिफ्रेश करना है। ये देखो फॉन्ट साइज छोटी हो गई, थोड़ा सा कंपेयर कर लो, अभी भी फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी लग रही है, तो इसको मैंने 6 तक दे दिया, फॉन्ट साइज 6। अच्छा दोनों ही क्यों अप्लाई हो रही है, थोड़ा सा छोटा हो गया है, सो 0.7 EM तक मैंने दे दिया, ठीक है। ऐसे आपको कर करके देखना पड़ेगा, ये परफेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपका, अब आपको कुछ ऐसा करना है कि सबसे पहले ये इनपुट और ये जो एलिमेंट्स हैं दोनों ही एलिमेंट्स को यहाँ पर आपको डिस्प्ले करवाना है। सो आप इन एलिमेंट्स को फ्लोट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको, इस एंकर को क्लास दे दूँ यहाँ से मैंने फ्लोट डैश लेफ्ट, ठीक है। सो ये मेरा एंकर जो है फ्लोट करने लग जाएगा, यहाँ पर ये फ्लोट करने लग गया। अब साथ साथ में इसके बाद जो एंकर आ रहा है, इसके बाद जो फॉर्म आ रहा है, इसको भी आपको क्या देना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट देना पड़ेगा। सेव किया और आउटपुट देखा हमने यहाँ से, सो ये फ्लोट हो गया, ये भी फ्लोट लेफ्ट हो गया, ये भी फ्लोट लेफ्ट हो गया। और इसके बाद आने वाले बटन्स को भी हम दे देते हैं, तो ये भी मेरा एक बटन टाइप से ही है। सो बटन, तो ये बेसिकली मेरे नेविगेशन है, सो नेविगेशन बना लेते हैं। तो फॉर्म के तुरंत बाद जाना है, नेविगेशन बनाना है। सो नेविगेशन हमेशा यूएल और एलआई के माध्यम से बनते हैं। सो यहाँ पर हम गए और यहाँ पर मैंने एक एलआई ले लिया, ठीक है। और एलआई के अंदर हमेशा क्या आता है, एंकर आता है। सो ये मैंने एंकर लिया यहाँ से और एंकर के अंदर हमेशा एचरेफ आता है। सो ये एचरेफ हमने दिया और लॉग इन एंड साइन अप, सो यहाँ पर मैंने लिख दिया लॉग इन एंड AMP सेमीकोलन एंड साइन अप, लॉग इन एंड साइन अप। ये मैंने सेव किया, आउटपुट देखा, ठीक है, ये लॉग इन एंड साइन अप आ रहा है, ठीक है, लॉग इन एंड साइन अप। उसके बाद मोर ऑप्शन है, सो गुड, उसके बाद ये मोर ऑप्शन है, तो मोर ऑप्शन को देख लेते हैं यहाँ से। सो ये यहाँ पर गए हम, ये मोर ऑप्शन सेव किया, ये मोर ऑप्शन, उसके बाद कार्ट ऑप्शन। सो इस एलआई का वापस से मैंने डुप्लीकेट किया, सो यहाँ पर मैंने ले लिया कार्ट ऑप्शन, सेव किया और आउटपुट देखते हैं, ठीक है। अब ये आप देखो कि ये इस तरीके से आ रहे हैं एलिमेंट्स। सो इस वाले यूएल को भी मैं क्लास क्या दे दूँ, फ्लोट लेफ्ट, इन तीनों को, ये तीनों सिबलिंग एंकर फॉर्म यूएल, इन तीनों को फ्लोट लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट दे दिया। तो देखते हैं अब क्या ऐसा हो रहा है, अब ये सारा, ये अब परफेक्ट फ्लोट करने लग गया है। उसके बाद इन मेन्यूज को मुझे, ये वन बाय वन आ रहे हैं, मुझे एक लाइन में चाहिए, तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप में एक क्लास होती है, नैव करके क्लास होती है। सो ये नैव क्लास आप देंगे इसको, नैव, सेव किया और आउटपुट देखा। देखिए नैव क्लास देने से वो आपके एलिमेंट्स हट गए हैं। अब इसमें नैव डैश पिल्स क्लास दे देना, सो नैव जैसे यहाँ पर दिया नैव डैश PILLS पिल्स, नैव पिल्स। सो नैव पिल्स करने से क्या होगा, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे और ये बटन जैसे आपके आ जाएंगे, ठीक है। सो W3C स्कूल्स पे आप जाइएगा, यहाँ बूटस्ट्रैप में जाना है, बूटस्ट्रैप फोर्ड वाले में, और यहाँ नैव्स में आप जाइएगा, BS4 नैव्स में आप गए और ये पिल्स वाली क्लास के लिए देखिए यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। सो हम ये स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, देखिए नैव और नैव पिल्स क्लास दी हुई है, नैव और नैव पिल्स,
तो ये भी हमने दिया हुआ है, और हमारे स्ट्रक्चर में ये नैव लिंक्स और ये क्लास दी हुई, तो हम क्या करते हैं इस स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, इसको मैंने इंडेंट किया, ठीक है, प्रॉपर में डिंडेंट कर देता हूँ। ये लॉगिन एंड साइन अप जो है ये मैंने कॉपी किया, और ये लॉगिन साइन अप मैंने यहाँ दे दिया, ये मोर को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, कार्ट को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और इस वाले यूएल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, सेव किया और आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, इस तरीके से ये मेरे आउटपुट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं, वन बाय वन हम इसको करते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो फॉन्ट इसमें यूज किए गए हैं वो रोबोटो फॉन्ट यूज किए गए हैं। जैसे हमने कल बताया था आपको कि ये जो फॉन्ट्स हैं इसके अंदर, ये रोबोटो फॉन्ट्स हैं। तो कैसे पता करें कि ये रोबोटो फॉन्ट्स हैं या कोई सी भी अदर फैमिली का फॉन्ट है? तो आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है और उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना जिस एलिमेंट के बारे में आपको पता करना है, और वहां से उसकी फॉन्ट फैमिली के बारे में देखना, कहीं ना कहीं आपको उसकी फैमिली पता चल जाएगी, ये किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है। जैसे ये फॉन्ट फैमिली आ रहा है, ये रोबोटो, ठीक है। सो इस पूरे टेम्पलेट में हर जगह रोबोटो फॉन्ट यूज किया गया है। सो कैसे यूज करें वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको गूगल ओपन करना है और रोबोटो फॉन्ट CDN आपने लिखा, इंटर किया, ये पहला ही लिंक गूगल का आ जाएगा क्योंकि गूगल का ऑफिशियल लोगो है, सॉरी ऑफिशियल फॉन्ट है। सो सिलेक्ट दिस फॉन्ट, यहाँ पर आपको जाना है, ये वाला लाइन कॉपी करनी है, अपने कोड के अंदर गए, ऊपर ही ऊपर आप पेस्ट कर देना इसको, ठीक है, बूटस्ट्रैप के बाद में, और उसके बाद फॉन्ट फैमिली में आप इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। सो ये यहाँ पर आप देखिएगा कि उन्होंने किस तरीके से टारगेट कर रखा है। यहाँ पर गया मैं और इन्होंने बॉडी बॉडी के अंदर आने वाले हर एलिमेंट को ये फॉन्ट फैमिली ये लोड कर रखा है। सो हम भी ऐसे ही टारगेट कर लेते हैं। सो हमारा बॉडी ये रहा, हमने बॉडी को टारगेट कर रखा है, और यहाँ से हम भी फॉन्ट फैमिली को टारगेट कर लेते हैं। तो यही लाइन आप यहाँ से कॉपी किया आपने और ये टारगेट कर दिया है यहाँ से, फॉन्ट फैमिली रोबोटो एरियल और सेंस सेरिफ। ये कॉमा का ये मतलब हो गया प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन लोड होगा? रोबोटो। रोबोटो फॉन्ट यदि आपके सिस्टम में नहीं मिला तो फिर किसको लोड करेगा? एरियल को, और एरियल भी नहीं मिला तो बाय डिफॉल्ट फिर लास्ट लास्ट में किसको लोड करेगा? सेंस सेरिफ को लोड करेगा। और ये आपको टारगेट कहाँ करना है? बॉडी के अंदर टारगेट करना। अब इससे आउटपुट देखना कि थोड़ा सा फॉन्ट का जो स्टाइल है वो देखिए, सेम टू सेम वैसे फॉन्ट हो गए जैसे हमने हमें लेने थे बेसिकली। तो रोबोटो फॉन्ट मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब बात करें कि ये ऊपर से हल्का सा गैप आ रहा है, तो ये गैप कितना आ रहा है ये यहाँ से देख लेते हैं। सो हेडर टॉप से मेरा जो गैप आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली 10 पिक्सल का, ठीक है, यहाँ से 10 पिक्सल हाइट देखना। सो हेडर टॉप को मैं जो है हेडर टॉप को मैं 10 पिक्सल पैडिंग बॉटम दे देता हूँ, सॉरी पैडिंग मुझे टॉप देनी पड़ेगी 10 पिक्सल। ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि किसको पैडिंग देना है क्या है। तो यहाँ हेडर टॉप से क्योंकि बॉर्डर के अंदर का एरिया है तो ये मैंने यहाँ से इसको दे दिया, ये देखो परफेक्ट आ रहा है। इसके बाद लेफ्ट साइड से आप देखिएगा कि ये एलिमेंट परफेक्ट सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है। सो परफेक्ट सेंटर में आने के लिए या तो आप इनको गैप दे दो, ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट को उनको मार्जिन ऑटो दे देना आप। सो मान लीजिए कि यदि मैं इस पूरे एलिमेंट को, ये हेडर टॉप के पूरे एलिमेंट को, हेडर टॉप ये रहा मेरा हेडर टॉप, ये हेडर टॉप, इसमें एक प्रॉपर्टी में देख के देखता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अगर ये मैं दे देता हूँ तो भी मेरा वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने फ्लोटिंग कर रखी। तो ये मैंने यहाँ से हटाया और रिफ्रेश किया, और चूंकि मैंने फ्लोट कर रखा है इसलिए आप बेटर है कि इसमें पैडिंग टॉप की जगह यहाँ से आप क्या दे सकते हो, पैडिंग लेफ्ट दे सकते हो,
पेडिंग लेफ्ट कितना देना है वो ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा यहाँ से कि ये मुझे पेडिंग जो लेफ्ट देनी है वो लगभग मुझे देनी है 185 पिक्सल पेडिंग लेफ्ट देनी। सो 185 पिक्सल मुझे पेडिंग लेफ्ट देनी है। सो 185 पिक्सल मैंने पेडिंग लेफ्ट दे दिया। ठीक है, अब एक्सप्लोर प्लस को नई लाइन पर लाना है, ये एक्सप्लोर प्लस उसके नई लाइन पर आ रहा है। ठीक है, सो कैसे लेके आवे? सो आप देखिएगा एक्सप्लोर जो लोगो है, ठीक है, इमेज के बाद वाले आपको नई लाइन पे चाहिए। सो डिव एलिमेंट आप ले सकते हो। डिव एलिमेंट क्या होता है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो बाय डिफॉल्ट ही नई लाइन से चालू होता है। सो हम क्या करेंगे कि डिव एलिमेंट के अंदर इन दोनों को कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया, प्रॉपर इंडेंट किया और आउटपुट देखते हैं। ये देखो नई लाइन पर आ गए। ठीक है, नई लाइन पे आ तो रहे हैं मगर थोड़ा सा इनमें ये गैप क्यों आ रहा है ये देख लेते हैं कि ये इतना स्पेस का ऊपर का गैप क्यों बन रहा है। ये डिव पे गए, बॉक्स मॉडल पे गए और ये गैप क्यों बन रहा है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। इमेज पे गया, हमें इमेज यहाँ आ रही है, डिव यहाँ आ रहा है। सो अच्छा, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है ना, तो इसको मैंने दे दिया लगभग 80 के बराबर दे देते हैं। फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फॉन्ट थोड़ा सा और 75 तक कर देते हैं हम। ठीक है, 75 किया। ये 75 तक किया मैंने और इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर पुश करना पड़ेगा मुझे। ओके, सो इसके अंदर ये आप देखना एक्सप्लोर प्लस ये फ्लिपकार्ट के जस्ट नीचे आ रहा है। यहाँ पर देखना मेरा फॉन्ट साइज लगभग एक्यूरेट है मगर ये एक्सप्लोर प्लस थोड़ा ऊपर की ओर आ रहा है और हमारा एक्सप्लोर प्लस थोड़ा नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये गैप क्यों आ रहा है, दोनों के बीच में गैप क्यों आ रहा है। सो ये इमेज को गया मैं, ये बॉक्स मॉडल देखना आप यहाँ से, कोई भी गैप यहाँ पर दिख नहीं रहा है। जैसे अगर बॉर्डर पे, पेडिंग पर, मार्जिन पर कोई गैप नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डीप पे हो सकता है, तो डीप में भी ऊपर की ओर कोई गैप नहीं है। तो बस एक ही तरीका बचता है कि जिसमें आप एलिमेंट को आप मूव कर सकते हो। तो आपको, आपके पास ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है कि वो डिव है, ये डिव है, इसको आप अपनी खुद की एक कस्टम क्लास दे देना। जैसे कि मैंने अपनी खुद की क्लास दी है अंडरस्कोर एक्सप्लोर प्लस, ये ऐसे करके वो मैंने कोई क्लास दे दी और इस क्लास को मैंने जाके टारगेट किया। और इसमें आप, इसमें इसको मूव करने के लिए आपको देना पड़ेगा पोजीशन कॉलन रिलेटिव और टॉप से आप इसको खिसका देना -10 पिक्सल। मैंने खिसका दिया मतलब जहां पर अभी है वहां से 10 पिक्सल ऊपर की ओर चले जाएगा। ये देखो 10 पिक्सल परफेक्ट ऊपर की ओर चला गया, गया कि नहीं गया? अब देखना एक स्पेस थोड़ा सा आ रहा है, एक्सप्लोर और प्लस के बीच में स्पेस आ रहा है। सो वो एक स्पेस तो यहाँ पे भी दे सकते हैं हम। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने एक स्पेस दिया। ठीक है, फ्लिपकार्ट और प्लस के बीच में भी स्पेस नहीं है तो वो भी आप ला सकते हो। हालांकि ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये फॉर्म जो है हमारा, ये वाला जो फॉर्म है, ये फॉर्म है बेसिकली। सो यहाँ पर देखना फॉर्म के इसमें भी गैप आ रहा है। तो ये सर्च फॉर्म को हमने टारगेट करना है, सर्च फॉर्म को हमने टारगेट कर ही रखा है। आप इसको दे देना मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट कितना देना पड़ेगा वो भी आपको फोटोशॉप भी बताएगा कि इस लोगो से, फ्लिपकार्ट के टी से लेके इस फॉर्म के स्टार्टिंग तक का ये कितना गैप आ रहा है ना, 12 पिक्सल का है ना, ये विड्थ आ रही है 12, ये विड्थ देखनी है अपन को है ना। सो ये मार्जिन लेफ्ट मैंने 12 पिक्सल दे दिया, ये सेव किया और आउटपुट आप देखना, देखो परफेक्ट दिख रहा है, 1 पिक्सल भी है। थोड़ा बहुत तो 19-20 हो रहा है बट ये भी बहुत परफेक्ट करेंगे हम। ठीक है, सो इस तरीके से हुआ। अब इसमें गौर से देखो चारों तरफ शेडो आ रही है, दिख रही है आपको? ओरिजिनल वाले में शेडो है जिससे कि डेप्थ आ रहा है। सो हम भी अपना शेडो दे देते हैं। सो इसमें बॉक्स शेडो दिया, बॉक्स शेडो मैंने कल आपको फॉर्मूला बता रहा था, बॉक्स शेडो में फॉर्मूला चलता है XYBSC। ठीक है, सो यहाँ पर भी एक्स मुझे चारों तरफ से चाहिए तो एक्स भी 0, वाई भी 0,
ब्लर मैंने 2 पिक्सल का दिया, कलर स्प्रेड भी मैंने 2 पिक्सल का दिया, आरजीबीए मैंने फंक्शन लिया, और यहाँ पर मैंने लिया 0,0,0,0.3 ले लिया, सेव किया और आउटपुट देखते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा आ रहा है, तो इसको कैसे कम किया जा सके, ये 0.3 की जगह मैंने 0.1 दे दिया, और देखते हैं बहुत लाइट आ रहा है, और स्प्रेड को मैं 4 कर देता हूं लगभग। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है थोड़ा बहुत। अब इसकी जगह मैं ये इसको 2 कर देता हूं, थोड़ा सा देखो हमारा और ज्यादा हो गया है, तो इसको 0.1 की जगह इसको मैंने 3 दे दिया, सेव। एक्यूरेट, परफेक्ट। ठीक है, अब इस फॉर्म और ये जो यूएल आ रहा है हमारा, इनके बीच में भी ये गैप आ रहा है, तो ये गैप देख लेते हैं, ये कौन, ये कितना पिक्सल गैप है, तो ये भी आपको फोटोशॉप ही बताएगा। सो यहाँ पर ये गए, ये लगभग आ रहा है 87 पिक्सल का गैप आ रहा है। सो आप देखना ये यूएल और फॉर्म के बीच में, सो इस यूएल को क्लास देनी पड़ेगी। सो इस यूएल को मैंने कस्टम क्लास दे दी टॉप नेव, ठीक है, ए अंडरस्कोर टॉप नेव मैंने क्लास दे दी, और इसको जाके मैंने टारगेट कर दिया। सो ए अंडरस्कोर टॉप नेव, और इसको मैंने मुझे देना है मार्जिन लेफ्ट देना है 87 पिक्सल का, मैंने मार्जिन देना है, सेव किया और आउटपुट देखा मैंने यहाँ से। ए टॉप ने हो, ए टॉप ने हो, ये एलिमेंट्स भी अभी आ रहे हैं, तो इसको भी करते हैं सबसे पहले। ये कैसे लाएंगे, सर्च फॉर प्रोडक्ट ब्रांड एंड मोर। सो ये आप इस फॉर्म के अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा, इस फॉर्म के अंदर आपको एक इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक इनपुट लिया आपने, इनपुट टाइप आपने लिया, जनरली टेक्स्ट ले सकते हो, मगर इनपुट टाइप सर्च करके भी एक एलिमेंट होता है, अगर आप देखो इनपुट टाइप सर्च भी होता है, इनपुट टाइप सर्च, ठीक है, इनपुट टाइप सर्च भी होता है। W3C पर सारे ट्यूटोरियल्स में जाएं, इनपुट टाइप टेक्स्ट ले सकते हैं, मगर जनरली इनपुट टाइप सर्च भी होता है, और इसका आउटपुट देखेंगे तो ये इस टाइप से आता है बेसिकली। सो ठीक है, इनपुट टाइप सर्च ले लिया मैंने, इनपुट टाइप सर्च, सो इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह सर्च ले लिया, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेस होल्डर, तो ये प्लेस होल्डर आपको लेना पड़ेगा। प्लेस होल्डर में क्या बोल रहा है, ये सर्च फॉर प्रोडक्ट्स, सो सर्च फॉर प्रोडक्ट्स ब्रांड्स एंड मोर, सेव किया आउटपुट देखा, और ये देखा मैंने, ये आ गया सर्च फॉर प्रोडक्ट्स और आउटपुट्स और ब्रांड। यहाँ पर आप देखना, सबसे पहले तो अगर मैं इसको टाइप करूँ तो देखो ये कहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, मतलब इस इनपुट की विड्थ इतनी है, आई बात समझ में, और हमारे इनपुट की विड्थ लगभग ये इतनी ही आ रही है, तभी तो ब्रांड्स के बाद कट गया है, ये यहाँ तक कट गया, तो हमें भी अपनी इनपुट की विड्थ लगभग यहाँ तक बढ़ानी पड़ेगी और यहाँ से चालू करनी पड़ेगी। तो लगभग 500 पिक्सल हमें इनपुट की विड्थ देनी है। ठीक है, देनी है कि नहीं देनी, सो देख लेते हैं सर्च फॉर्म के अंदर आने वाला जो इनपुट टाइप सर्च है, तो यहीं पर मैं टारगेट कर लेता हूँ कि सर्च फॉर्म के अंदर आने वाला जो मेरा मेरा जो इनपुट है, जिसका टाइप क्या हो, सर्च हो, ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर है, ये एक नया सिलेक्टर अभी देखने को मिल रहा होगा आपको, ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर कहलाता है। यहाँ पर आपको जो देना है वो आपको विड्थ देनी है, विड्थ लगभग आपने 495 पिक्सल विड्थ दे दी, सेव किया और आउटपुट देखते हैं आ गया।
अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें बॉर्डर नहीं है। सो बॉर्डर कॉलन नन, बॉर्डर नहीं देने के लिए नन, बॉर्डर नन। अभी बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी हटा देते हैं ताकि वो उसको मार्जिन्स दे देते हैं, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा मार्जिन कितना देना है वो आप यहां से पता कर लेना, कितना 16 पिक्सल का मुझे मार्जिन देना है। सो मार्जिन लेफ्ट कॉलन 16 पिक्सल, मैंने मार्जिन दे दिया, सेव किया और आउटपुट देखना, ये 16 पिक्सल का मार्जिन आ गया। और ऊपर से मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी दे सकता हूँ। सो मार्जिन डैश टॉप कॉलन 5 पिक्सल अगर मैं दे दूँ, सेव किया और आउटपुट देखा, ठीक है, परफेक्ट। और अब बॉर्डर अगर हटा दूं, अब अगर इसकी बॉर्डर कॉलन नन कर दूं, सेव किया और आउटपुट देखा, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब यदि अब भी मैं जैसे कि इनके मैंने इसमें डी टाइप किया था, तो मे भी अगर डी टाइप करने चलूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा वो लास्ट तक जाएगा। अच्छा, ये इसमें क्रॉस सिंबल और ये आ रहे हैं, तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप सर्च की जगह टेक्स्ट ही ले लेते हैं, है ना, नहीं तो दिक्कत आएगी। इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया। सो यहाँ सिलेक्टर में भी फिर मुझे इनपुट टाइप टेक्स्ट लेना पड़ेगा, सेव किया, बाकी चीज़ें वो की वही रहेगी। इससे थोड़ा सा सर्च के ये देखो वो क्रॉस सिंबल और ये ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। सो अगर मैं डी टाइप करूँ तो देखो डी मेरा यहाँ तक जाएगा, उसके बाद नहीं जा रहा है। इसमें फ्लिपकार्ट वालों के इसमें भी देखना, इसके बाद वो पता ही नहीं चलेगा आपको, ये देखो, ठीक है, इसके बाद वो पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही इनपुट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एक बॉर्डर आ रही है। सो इनपुट यहाँ पर आप लिखना, इनपुट सिलेक्ट बॉर्डर, बॉर्डर नन, इनपुट सिलेक्ट बॉर्डर नन करके आप सर्च करना, हाउ टू रिमूव बॉर्डर आउटलाइन इनपुट बॉक्स। सो ये आप यहाँ से कर सकते हो। सो ये इनपुट फोकस आउटलाइन नन, ये वाली प्रॉपर्टी आप दे देना, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पेस्ट करी, ये आउटलाइन नन कर देता हूँ, ये आउटलाइन नन, बट इनपुट फोकस, तो ये यहाँ पर ये आपको ये लेना पड़ेगा, पहले पेरेंट लगा देना है यहाँ पर। सर्च के अंदर आने वाला, सर्च फॉर्म के अंदर आने वाला इनपुट और उसके फोकस सिलेक्टर पर आउटलाइन मुझे क्या करनी है, नन करनी है। एडिशनल सिलेक्टर मैंने हटा दिया, ठीक यहाँ से देखना, परफेक्ट, ये देखो परफेक्ट। थोड़ा सा आप वो बोल सकते हो कि हाँ सर फॉन्ट साइज थोड़ी सी छोटी आ रही है, तो वो आप यहाँ से ही फॉन्ट साइज जो है यहाँ से ही आप कंट्रोल कर सकते हो, फॉन्ट डैश साइज जो है कॉलन 0.9 em कर देना, ठीक है, मैंने किया, परफेक्ट आ रही है, मगर थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसक गया है वो, है ना, फॉन्ट साइज घटाने से। तो इसको मैंने इसको 8 पिक्सल मार्जिन टॉप 8 पिक्सल दे दिया, देखना आप, पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये ओरिजिनल फ्लिपकार्ट चल रहा है कि आप इसको बना रहे हो बेसिकली। सो अब देखते हैं, रही बात इसकी, अगर इनपुट अगर मेरा नेविगेशन को अगर फ्लो मार्जिन लेफ्ट काम नहीं कर रहा है, तो मैं इस फॉर्म को मार्जिन राइट दे सकता हूं उतना पिक्सल्स। इस पे भी मैं आ रहा हूं, इसको कैसे बनाना है इस पे भी आ रहा हूं, बट इससे पहले मैं अगर इसका गैप दे दूं, तो ये गैप हमारा आ रहा है लगभग 87 पिक्सल। सो हमारे सर्च फॉर्म को ढूंढना, ये मार्जिन लेफ्ट के बाद यहाँ पर मार्जिन राइट में दे दूंगा, मार्जिन राइट 87 पिक्सल। आपको कर करके देखना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही प्रॉपर्टी देने से आपको सही हो जाएगा, मगर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखो अब आ गए मेरे मार्जिन्स, आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है, ये लॉगिन साइन अप आ रहा है मेरा, यहाँ पर लॉगिन साइन अप और इन पे मेरे वो बटन जैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इनको ये कर सकता हूँ कि ये एक्टिव क्लास यहाँ से मैं हटा दूँ, तो एक्टिव क्लास यहाँ से अगर हटा दूँ तो ये देखो
आ गया। अब इनका टेक्स्ट कलर थोड़ा वाइट आ रहा है तो ये मैं वाइट ले आता हूँ यहाँ पर। ये ए टॉप नेव, ये मार्जिन लेफ्ट काम नहीं कर रहा था तो मैंने हटा दिया, यहाँ इसकी जगह मैंने क्या दे दिया इनको कलर, इनको मैं व्हाइट दे देता हूँ। देखो अभी भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब मुझे एंकर्स को टारगेट करना पड़ेगा। ए टॉप नेव के अंदर आने वाले एंकर है ना, ये यूएल है, यूएल के अंदर आने वाले एंकर्स, अब तो हो जाएगा, ये हो गए परफेक्ट। ठीक है, इसको भी थोड़ा अपन देखेंगे बाद में, पहले मैं सर्च बटन बता देता हूँ आपको। तो सर्च बटन बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो फॉर्म के अंदर आपको एक बटन लेना पड़ेगा, और इसका टाइप क्या देना पड़ेगा आपको, सबमिट सबमिट। और यहाँ पर ये मैग्नीफाइन वाला ये सिंबल लाना पड़ेगा, आपको अच्छी तरीके से पता है, आपने फॉन्ट ऑसम यूज कर रखा है। सो फॉन्ट ऑसम मैग्नीफाइंग ग्लास सर्च ना, सर्च प्लस ऐसा कुछ हम सर्च कर लेते हैं। ये सर्च प्लस आ रहा है ना, सो फा फा डैश सर्च भी लिख सकते हैं। करके देख लेते हैं इस बटन के अंदर टैग कौन सा यूज करना है। जब भी हम फॉन्ट ऑसम यूज करते हैं तो आई टैग का उपयोग करते हैं, ठीक है। और आई के अंदर क्लास दे देना, सबसे पहली क्लास तो फा देनी है और फा डैश सर्च देनी है ना, ये करके देखते हैं। और मुझे लगता है कि इसी में हमारा सर्च बटन आ जाएगा। ये आ गया, आ गया कि नहीं आया? ठीक है, तो सर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको बटन के अंदर बटन टाइप सबमिट लेना है, आई टैग को क्या लेना है, फा सर्च लेना है, फा पहली क्लास फा देनी है, दूसरी क्लास फा डैश सर्च हमने दिया, ये दिया हमने फा सर्च। और अब आप देखेंगे फा सर्च का जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू आ रहा है। सर्च फॉर्म के अंदर आने वाले, यहाँ पर मैं टारगेट कर सकता हूँ कि सर्च सर्च फॉर्म के अंदर आने वाला ऐसा एलिमेंट जिसकी क्लास क्या हो, फा सर्च हो, उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो मुझे कुछ चेंज करना है। वो क्या करना है, टेक्स्ट का कलर क्या देना है वो फोटोशॉप बताएगा। आई ड्रॉपर टूल लिया, आई ड्रॉपर टूल से मैंने कलर उठाया, यहाँ से ये कलर कॉपी किया मैंने, यहाँ पर गए और यहाँ से मैंने ये ले लिया, सेव किया और आउटपुट देखा, यहाँ से कलर आ गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर नहीं देना है। ये फास्ट सर्च का, ये फास्ट सर्च एक्चुअल में किसके अंदर आ रहा है, बटन के अंदर आ रहा है। बटन को कुछ क्लासेस आप दे सकते हो, बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जैसे कि आपने दे दिया पहली क्लास BTN दे दिया, आउटपुट देखते हैं BTN क्लास देने से हुआ क्या। देखो BTN क्लास देने से बैकग्राउंड कलर हट गया, पर वही हमें चाहिए था। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, बूटस्ट्रैप की रेडीमेड क्लासेस यूज करने से आप CSS लिखने से बच जाओगे, यहाँ से एक्स्ट्रा CSS, क्योंकि ये सारा जो है आप एक्स्ट्रा CSS लिख रहे हो, और बूटस्ट्रैप भी बना इसीलिए है कि आप कम से कम CSS लिख के अपना काम करो। तो जहां जहां आपको जरूरत लगे कि यार ये बूटस्ट्रैप की ये क्लास देने से मेरा काम हो जाएगा, तो वहां वहां आप यूज करो। देखो बूटस्ट्रैप की क्लास देने से मेरा वर्क हो गया ऑलमोस्ट, तो देख लेते हैं। ठीक है, अब फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा आ रहा है, तो यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ। फॉन्ट डैश साइज दिया मैंने इस फा को, और यहाँ पर मैंने 1.2 EM दे दिया, क्योंकि अभी जो करंट दिख रहा है उससे थोड़ा सा बड़ा करना है, 1.5 EM। फॉन्ट साइज बड़ा नहीं हो रहा है, तो बटन बटन को हटाते हैं, एक मिनट ये बटन को हटा के देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बटन की क्लास दे देते हैं, ठीक है। और इस बटन को अगर मैं राइट साइड में पुल कर दूं, तो ये क्लास दे दिया मैंने फ्लोट डैश राइट दे दिया, तो ये राइट साइड में चले जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। ये फ्लोट देने से ये डिस्टर्ब हो गया, ये तो यहाँ पर
सॉरी, मैं कहीं और काम करने लग गया। सो ये एंकर के अंदर तो काम करना ही नहीं है हमें, यहाँ थोड़ी काम करना है, यहाँ थोड़ी काम कर रहे हैं हम तो यहाँ काम कर रहे हैं। सो ये तो ये है, और ये सर्च फॉर्म है, तो सर्च फॉर्म के अंदर आने वाला, अरे मुझे यहाँ टारगेट करना था, आपको बोलना चाहिए ना मैं किधर आ गया हूँ। सो फॉन्ट साइज दिया आपने, फॉन्ट साइज मैं वही देख रहा हूँ कि वो प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ काम क्यों नहीं कर रही है। सो 1.2 EM मैंने लिखा, सेव किया, आउटपुट और रिफ्रेश। ठीक है, अभी कार्ट के अंदर कार्ट भी लाना है। सो यहाँ पर ला सकते हैं ये कार्ट वाला जो है, इस एंकर में आप आई टैग यूज कर लेना, इससे जस्ट पहले एक स्पेस दे देना, और बूटस्ट्रैप में फॉन्ट ऑसम हमने यूज कर ही रखा है, तो far-CART कार्ट, लगता है कि ये कार्ट आ जाएगी अपनी कार्ट। सो फॉन्ट ऑसम कार्ट, कार्ट आइकन है ना। सो ये शॉपिंग कार्ट है ना, क्लास का नाम है कार्ट, शॉपिंग कार्ट। देख लेते हैं एक बार क्या क्लास है, ये शॉपिंग बास्केट, ये देख लेते हैं, ये शॉपिंग कार्ट, मगर आपको 4.7 वाले यूज करने हैं, तो far-shopping far-shopping basket है ना, ये वाले यूज करना है, मगर ये नहीं चाहिए हमें। सो मुझे लगता है कि ये वाला होगा फिर तो, far-shopping cart। ठीक है, सो far-shopping cart। ठीक है, अब far-shopping cart ए नेव पिल्स के अंदर आने वाला, ए नेव पिल्स के अंदर आने वाला far-shopping कार्ट जो है, उसको मुझे क्या करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है। सो फॉन्ट साइज आपने दे दिया 1.4 EM दे दिया मैंने, सेव किया, और आउटपुट देखो आप कुछ बड़ा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 4 की जगह मैं 2 ही दे देता हूँ, है ना। ठीक है, परफेक्ट। और ये जो टेक्स्ट हैं थोड़े बोल्ड आ रहे हैं, सो ये जितने भी एंकर हैं, इन एंकर को मैं फॉन्ट वेट बोल्ड दे देता हूँ, font-weight बोल्ड। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये जैसे मोटे मोटे आ रहे हैं ना फॉन्ट बोल्ड हैं, और हमारे इसमें भी ये फ्लैट आ रहे हैं, सो ये भी हमारे बोल्ड हो जाएंगे, देखो बोल्ड हो गए। ठीक है, सो बोल्ड में बोल्डर दे देते हैं, थोड़ा सा धुंधले टाइप से हो रहे हैं, तो इसको हम देखते हैं, अभी तो इसको यही रखेंगे, क्योंकि बोल्ड देने से थोड़े धुंधले हो रहे हैं, उनका फॉन्ट स्टाइल बिगड़ रहा है, तो इसलिए अभी हम नहीं देंगे। ठीक है, अब रही बात ये इस एरो की, ये एरो भी आप ला सकते हो, ये एरो किसके अंदर आ रहा है, मोर के अंदर आ रहा है। ठीक है, सो एरो मोर के अंदर आ रहा है, सो मोर के अंदर जाके आप यहाँ पर आपने दिया far-down शेवरॉन डाउन, ये इसका। ठीक है, फॉन्ट ऑसम शेवरॉन डाउन, ऐसा कुछ आप लिखेंगे, सो फा शेवरॉन डाउन है ना, ये वाली क्लास मिल जाएगी आपको, फा शेवरॉन डाउन। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट वैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसको फॉन्ट साइज भी आप घटा सकते हो, सो फा शेवरॉन डाउन को टारगेट कर लेते हैं, और फा शेवरॉन डाउन किसके अंदर है, ए टॉप मेन्यू के अंदर। सो ए अंडरस्कोर टॉप अंडरस्कोर मेन्यू के अंदर फा शेवरॉन डाउन, और यहाँ पर आप करते हो, और इसका फॉन्ट साइज जो है, font-size जो है आप दे देना 0.7 PM, ये मैंने सेव किया, और आउटपुट देखा मैंने, देखो। और आपको लगता है कि और थोड़ा छोटा देना चाहिए, 5 दे दिया, फा शेवरॉन डाउन, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की ओर करना चाहते हो, सो पोजीशन रिलेटिव दे दिया, और टॉप से 5 पिक्सल
नेगेटिव में आपने किसका दिया? हाँ ज्यादा हो गया है, सो 3 दे दिया आपने। परफेक्ट, ठीक है। सो इस तरीके से आपने ये अभी हेडर सेक्शन तो कंप्लीट किया हुआ ही है। यहाँ पर एक चीज और आपको ये करनी है कि ये जो इनपुट है बेसिकली, इसको आप नेम जरूर दे देना कि ये नेम क्या है, क्योंकि जब हम डायनेमिक करेंगे ना, नेम देना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसको दे दिया SERC, ठीक है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कुछ, जैसे मैंने रीलोड करवाया और जैसे मैंने कुछ सर्च किया, मान लो फ्लिपकार्ट में मैं सर्च कर रहा हूँ लैपटॉप, और जैसे मैं सबमिट करूंगा तो मेरी क्वेरी स्ट्रिंग बन जाएगी, है ना। ये देखो, ये क्वेरी स्ट्रिंग बनना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेरी स्ट्रिंग तब बनेगी जब आप उसको क्या दोगे, नेम। इस इनपुट टाइप टेक्स्ट को आपको क्या देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा। और नेम मैंने क्या दे दिया, सर्च दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। सो सर्च इज इक्वल टू लैपटॉप। सो ये क्वेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। ये क्वेरी स्ट्रिंग बनना बहुत जरूरी है। हाँ रोहित, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, कलर चेंज हो रहा है क्या? ये हवर करने पर ये फ्लिप हो रहा है। ये मैं आपको जब थोड़ा आगे जावास्क्रिप्ट बताऊंगा उस समय मैं आपको करके बताऊंगा। हाँ, वो तो आइकन थोड़ा वेरी कर रहा है, बट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट चीजें, ऑलमोस्ट बना कि नहीं बना, थोड़ा बहुत, है ना। किसका? कलर तो थोड़ा सा आप ले सकते हो, उसमें कलर कोई चेंज ले सकते हो। फोटोशॉप में गए और यहाँ से कलर उठा लो इसका, ये आई ड्रॉपर से थोड़ा सा ये इस टाइप का कलर उठा लिया आपने, ये उठा लिया, जाके टारगेट कर लिया। शेवरॉन डाउन, शेवरॉन डाउन ये रहा। सो कलर कॉलन हैश पेस्ट सेव, और ये मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया, ठीक है। ये कलर हो गया, मतलब जितना ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है उतना आप बेस्ट बना पाओगे, ठीक है। सो ये मेरा हेडर टॉप अभी भी कंप्लीट नहीं है, मगर इसके अंदर में हवर पर ये कैसे लाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो अभी के लिए थैंक यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो पेपाल पे आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ है लिंक, ये इस पर आप मुझे डोनेट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।